गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आजकल अखबारों में और लोगों के पास एक चर्चा है एयर प्यूरिफायर की, कि आजकल जो एयर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और उस पोल्यूशन के लिए एयर प्यूरिफायर मार्केट में आ रहे हैं। सिमिलरली ग्लेन ने लॉन्च किए हैं एयर प्यूरिफायर, इसमें हमने दो मॉडल लॉन्च किए हैं जिसके अंदर एक मॉडल है AP6031 और दूसरा मॉडल है AP6032। ये आपको इस कंडीशन में कस्टमर के पास मिलेंगे बॉक्स के अंदर पैक, और जब आप बॉक्स खोलेंगे तो आपको थर्मोकोल में मिलेंगे, जिसके दोनों तरफ थर्मोकोल होगा और इनके साथ में पॉलिथीन के अंदर यूजर मैनुअल रखा होगा। आपने थर्मोकोल हटाना है, ये इसका यूजर मैनुअल कम वारंटी कार्ड है, वो आपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है। अब ये आपके सामने यूनिट रखी हुई है, इसको खोलने का बहुत इजी सा तरीका है। ये इसकी बैक है, बैक पर इसका सारा सीरियल नंबर वगैरह और डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई है। इसका वेट कोई अप्रोक्सीमेटली 8 किलोग्राम है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको उठाने में। आपने इसको खोलने के लिए ये देखिए इसकी दोनों साइड के अंदर स्पेस है, आप इसको खींचेंगे, जैसे इसको हल्का सा आप अपनी तरफ खींचेंगे तो इसके अंदर से ये मेन कवर जो सा है बाहर आ जाएगा। इसको बड़े आराम से आप साइड में रखें। उसके बाद आपको इसके अंदर फिल्टर मिलेंगे जो कि काउंटिंग में 4 हैं और एक सीरीज में लगे हुए हैं। आपने इन फिल्टर्स को जो कि सील हैं, इनको आपने पॉलिथीन इनका हटा देना है। ये सबसे पहला फिल्टर है मैश फिल्टर, ये वॉशेबल है, जब आप पॉलिथीन हटा देंगे ये आपकी इस कंडीशन में आ जाएगा। ये आपका सेकंड फिल्टर है कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर। तीसरा आपका फिल्टर जो सा है एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर है, कोकोनट शेल का बना हुआ। फोर्थ आपका फिल्टर हवा फिल्टर है। इसको लगाने के लिए आपने सबसे पहले ये फिल्टर लेना है, ये हेपा फिल्टर है। इसको लगाने के लिए आप ये देखेंगे इसके अंदर ये एक स्ट्रिप लगी हुई है, वाइट स्ट्रिप लगी हुई है। इसको आप सबसे पहले फिक्स करेंगे, यहां पे देखें ये ग्रूव बना हुआ है, ये इसी ग्रूव में लगेगा और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी उसमें लगेगा। पहला ये हेपा फिल्टर है, इसको ये प्रेस कर दें, निकालने के लिए दोबारा से देखें ये स्ट्रिप लगी हुई है, ये आपकी एक निशानी है कि ये ही इस तरीके से लगेगा। उसके बाद आपने कार्बन फिल्टर लेना है, कार्बन फिल्टर को आपने फिक्स कर देना है और इसको प्रेस करेंगे ये भी इसके अंदर चला जाएगा। तीसरा फिल्टर कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर है, इसको आप लगाएंगे और उसके बाद आपका सबसे ऊपर मैश फिल्टर है जो कि वॉशेबल है। इसमें आप देखेंगे दोनों तरफ 3-3 पॉइंट्स बने हुए हैं और एक ऊपर बना हुआ है और ये दो इसके पुलर्स हैं, आप इनको निकालने के लिए खींचेंगे। इस बॉडी में 3 ग्रूव बने हुए हैं जिनके अंदर ये जाके लगेगा। सिमिलरली आप पहले इनको फिक्स कर लेंगे दोनों तरफ से थोड़ा सा टेढ़ा करके, और ये टॉप का फिल्टर, ये अब आपकी यूनिट जो सी है फिक्स हो गई। अब आप मेन कवर लगाएंगे बॉडी कवर। इस बॉडी कवर में आप देखें ये मैग्नेट लगी हुई है, दो मैग्नेट इधर है और एक टॉप पर है।
नीचे आप देखें दो हुक बने हुए हैं और यूनिट के अंदर ये दो ग्रूव बने हुए हैं। इन ग्रूव पे आप आराम से इनको रखेंगे और जैसे ही आप इसको आगे लगाएंगे ये एकदम मैग्नेट की वजह से फिक्स हो जाएगा। अब आपकी जो सी यूनिट है वो रेडी है काम करने के लिए, इसको आप प्लग इन कर दें। जैसे ही आप प्लग इन करेंगे इसके अंदर सारे बटन्स में ऊपर लाइट आएगी और ये रेडी हो जाएगा। ये आपका पैनल है इसके टॉप के ऊपर। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इंस्टॉलिंग द एयर प्यूरिफायर। सिमिलरली इस वाले मॉडल में भी आप हल्का सा इसको खींचेंगे, ये आपकी बॉडी जो सी है टॉप कवर ये अलग हो जाएगी। उसके बाद आपके फिल्टर, इसमें भी सेम फिल्टर है, इन दोनों फिल्टर्स का साइज अलग है। ये आपका मैश वॉशेबल फिल्टर है, ये आपका कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर है, ये आपका कार्बन फिल्टर है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, और ये हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर अगेन बिल्कुल प्योर व्हाइट सील है, तो आपने ये कस्टमर के सामने ही खोलना है, उनको दिखा के कि ये सील है। फिल्टर भी जैसे मैंने बताया पहले वाले में, जिस तरफ इसकी स्ट्रिप होगी वो आपके बाहर होनी चाहिए। सबसे पहले आपका फिल्टर लगेगा हैपा फिल्टर, उसके बाद सेम स्ट्रिप देखें, व्हाइट स्ट्रिप है, ये बाहर होनी चाहिए आपकी तरफ, कार्बन फिल्टर लगेगा, उसके बाद कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर लगेगा, इसमें भी स्ट्रिप बाहर होनी चाहिए और ऊपर की तरफ होनी चाहिए, सारे ऊपर की तरफ रहने चाहिए, और सबसे लास्ट में आपका मैश फिल्टर लगेगा। इसको जब आप इसके अंदर फिक्स कर देते हैं जैसे कि दूसरे मॉडल में बताया था, इसमें हुक जोन से हैं ऊपर की तरफ है, बॉडी में ये ऊपर हुक लगेंगे, ग्रूव में फिक्स हो जाएंगे। और नीचे ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट से फिक्स हो जाएगा। अगेन आपकी जो यूनिट है इज रेडी फॉर वर्किंग। इसको लगाने के लिए आप प्लग इन करें, जैसे ही ये प्लग इन करेंगे इसके अंदर लाइट्स आएंगी और सारे के अंदर भी, सारे बटन्स के अंदर पहले एक बार लाइट आएगी, इसका मतलब यूनिट इज रेडी। इसको ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मिडिल में ऑन ऑफ स्विच है, इसको प्रेस करके रखें, जैसे इसको प्रेस करेंगे दिस विल स्टार्ट फंक्शनिंग।